रिहायशी इलाके में ज्वलनशील पदार्थ संग्रहित करने वालों के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में माड़ोताल पुलिस ने कासौधन नगर के रिहायशी इलाके में स्थित एक मकान में दबिश दी। यहां पुलिस को भारी मात्रा में इंजन ऑयल, ऑयल पैक करने की मशीन, ऑयल के डिब्बे और कुपियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में दो आधारताल निवासी रोहित खत्री और मंडला के रहने वाले कासौधन नगर निवासी संजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके विरुद्ध ईसी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए फिलहाल गोदाम को सील किया है। कल क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अवैध गतिविधियों का पोस्टर लगाने के निर्देशित किया गया था। इस तारतम्य में क्षेत्र में भ्रमण किया गया, इसमें रहवासी क्षेत्र में ऑयल जो कि ज्वलनशील पदार्थ है ऑयल, उसको रख कर बेचने का कार्य किया जा रहा था। इसमें दो आरोपी संलिप्त थे जो कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपी रोहित कुमार खत्री, पिता ओम प्रकाश खत्री, ये आधारताल के हैं। संजीव कुमार हाडाहा, ये मंडला नैनपुर के हैं। इनके विरुद्ध 37 ईसी एक्ट और 285 आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। ये कसौधन नगर ग्रीन सिटी में एक रहवासी मकान में कार्य चल रहा था।